नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भट्ट। सब्जी के सीजन में ज्यादा बारिश और सब्जियों में फंगस लगने से किसानों को आर्थिक मार पड़ रही है। इस कारण नैनीताल मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ने से पहाड़ों में सब्जियां दोगुने दामों में बिक रही हैं। रामगढ़ क्षेत्र में इस बार फूलगोभी, पत्ता गोभी, कद्दू, लौकी, ककड़ी फंगस लगने से खराब हुए हैं। फल सब्जी कारोबारी बंसीधर गयाल ने बताया, बाजार में फल सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। स्थानीय सब्जियां ज्यादा बारिश के कारण खराब हो गई हैं। इस कारण किसान भी परेशान हैं। वहीं दुकान मालिक किशन नेगी ने कहा कि सब्जियों के दाम काफी बढ़ने लगे हैं, जिस वजह से महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंच गई है और नैनीताल की सब्जी मंडी के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमें सब्जियों का तो व्यापक पैमाने में नुकसान हुआ है और सब्जी का रेट भी चौगुने हो गया करीब करीब। जो माल 2-3-4 रुपए गड्डी बिक रहा था, वो आज 15 रुपए गड्डी तक बिकने लगा। इसी तरह से जितनी भी सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियां सब महंगी हो गई। तुरई 80 रुपए चली गई है, भिंडी 100 रुपए किलो चली गई है, आलू के दाम तक भी बढ़ गए। यहाँ तक कि आलू भी 12-13-15 रुपये आड़त में मंडी में ही बिक रहा है। इस तरह प्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तेजी आई। तो ये थी हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की नैनीताल से रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।